हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिरिचलेट एक्सटेंशन ऑफ ल्यूविल्स डिरिचलेट जो थ्योरम है उस पर बेस इस सीरीज का ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहती है, इवेल्यूएट वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ये, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड द इंटीग्रल एक्सटेंडेड ओवर ऑल पॉजिटिव, ये की वर्ड है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस, ठीक है। एक्चुअली जो एक्सटेंशन ल्यूविल्स थ्योरम अप्लाई होती है वो तभी होती है जब आपका जो कंडीशन है वो किसी रीजन के बीच अप्लाई होता है, जैसे कि रीजन एच वन और एच टू के बीच में होगा तब अप्लाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक ही रीजन है, लेकिन ये जो की वर्ड छुपा हुआ है पॉजिटिव, इसका मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब जीरो और एक के बीच में ही है, ठीक है। इस पर बेस मैंने कई सारे क्वेश्चन किए हैं। तो जब ये हमारा एच वन है, ये हमारा एच टू है, इस रीजन के बीच में है, यानी कि एक्सटेंशन थ्योरम यूज़ करना है। तो जो गिवन इंटीग्रेशन हमें दे रखा है लॉग एक्स वाई प्लस जेड, उसको मैं एक्सटेंशन वाले जो फॉर्मूला होता है उसके रूप में लिख सकता हूँ। ये तो फंक्शन है, एक्स वाई जेड के टर्म में है तो एक्स वाई जेड है नहीं, लेकिन मैं उसके रूप में लिख सकता हूँ एक्स की पावर वन माइनस वन, क्योंकि किसी के साथ जीरो उसका मान वन ही होता है, तो वाई वन माइनस वन जेड वन माइनस वन लिख सकता हूँ डी एक्स डी वाई डी जेड। ये वर्क करेगा एल के रूप में, ये वर्क करेगा एम के रूप में, ये वर्क करेगा एन के रूप में। तो फॉर्मूला क्या होता है, गामा एल गामा एन अपॉन एम प्लस एल प्लस एन होता है। फिर इंटीग्रेशन जाती है जीरो से एक तक, जीरो क्या होता है एच वन, यहाँ क्या होता है एच टू, और हमारा रीजन जीरो से वन के बीच में है, तो वही लिखा है मैंने, कुछ और लिखा नहीं जाएगा, लॉग और इसे हम बोल देते हैं एच एच। फिर आ जाता है यहाँ फॉर्मूला एच, ऊपर आ जाता है एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी एच। अब जनरली क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है सिंपल, जो कि आपको पता ही होगा, और गामा थ्री पॉजिटिव इंटीजर है तो एक कम हो जाता है, टू आ जाता है, और गामा वन की वैल्यू वन ही होती है। अब फिर मैंने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया है सिंपल, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस के वन अपॉन एटीन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो।